हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर काफ़ी टॉपिक्स हमें देखने हैं, जैसे कि केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल इक्वेशन क्या है, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, और उससे भी पहले हम बैलेंस करना सीखेंगे इक्वेशन को इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, उसके बाद हम एक स्पेशल टाइप्स जिसको रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है ना, उसको और उसके इफेक्ट्स जो हुआ करते हैं डे टू डे लाइफ में, वो हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करते वक्त हमें इंट्रोडक्शन होना ज़रूरी है। इंट्रोडक्शन के अंदर वही चीज़ हमें देखना है कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है और केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो आपसे पूछा जाए व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन को किस तरीके से आप डिफाइन करेंगे, किस तरीके से करेंगे, यहाँ बहुत ही सिंपल वर्ड्स में आप बोल सकते हैं कि किसी भी केमिकल सब्सटेंस का, कोई भी एक केमिकल सब्सटेंस हुआ, उसका कुछ स्पेशल कंडीशंस पर या दूसरे सब्सटेंस के साथ कंबाइन होकर कुछ नया केमिकल सब्सटेंस फॉर्म कर देना या नया केमिकल सब्सटेंस फॉर्म हो जाना ही केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है ना, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ केमिकल सब्सटेंस इनटू अनदर केमिकल सब्सटेंस इन स्पेशल कंडीशंस। अब स्पेशल कंडीशंस क्या है, स्पेशल कंडीशंस में हम बात करें तो कोई भी एक एलिमेंट जो है वो दूसरे एलिमेंट के साथ, या कह दें हम कि कोई भी एक केमिकल सब्सटेंस है वो अनदर केमिकल सब्सटेंस के साथ कंबाइन होगा। ठीक है ना, अब उसके लिए कभी टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, कुछ स्पेशल प्रेशर अप्लाइड होता है, या और भी कई रीजेंट जो हैं वो इंक्लूड हो जाते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, तो वो एक केमिकल रिएक्शन जिसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कोई भी आपने ले लिया, आजकल हम देख रहे हैं डे टू डे लाइफ में काफ़ी सारी केमिकल रिएक्शंस आपके सामने आती है। देखते हैं आप, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन, बहुत अच्छे से जानते हैं आप रस्टिंग ऑफ आयरन को क्या होता है। कोई भी जो आयरन पार्टिकल होता है, ठीक है, कोई भी चीज़ बनी हुई है आयरन से, वो जब एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है, ठीक है, तो धीरे 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 जो है वो उस आयरन पार्टिकल के ऊपर कोटिंग होना स्टार्ट हो जाती है, ग्रीन कोटिंग, ब्राउनिश कोटिंग उसके ऊपर होना स्टार्ट हो जाती है, उसको आप बोलते हैं रस्टिंग आयरन। एक्चुअल में जो प्योर आयरन होता है, ठीक है ना, तो आयरन में आयरन सेकंड भी होता है, आयरन थर्ड भी होता है, बेसिकल जो पार्ट आयरन पार्टिकल्स जो होते हैं, आयरन स्पीसीज, वो सब आयरन थर्ड की मोस्टली बनी हुई होती हैं। ठीक है, तो आयरन थर्ड का आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाना इन प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर, उस प्रोसेस को आप क्या बोल देते हैं, कोरोजन उसको बोला करते थे, आप याद है, ठीक है ना, तो इसमें रस्टिंग ऑफ आयरन कोरोजन का एक एग्जांपल है। उसके अलावा आप देखते हैं रेंसिडिटी क्या होती है, फूड मटेरियल का ऑक्सीडाइज हो जाना, याद है आपको, स्पॉइल हो जाता है धीरे धीरे कोई भी फूड मटेरियल हुआ, खास करके ऑयली जो होते हैं, चिप्स वगैरह आपने देखे हैं, या और भी कई आपके समोसा देख लीजिए आप, यहाँ पर वड़ा पाव बड़ा चलता है, वड़ा को दो तीन दिन के लिए आप रखोगे तो बेकार हो जाएगा वो, ठीक है ना, तो रेंसिडिटी हुआ। उसके अलावा आप और भी बात कर सकते हैं, जैसे घर में अपना दूध जो होता है वो दही में, यानी कि कर्डलिंग ऑफ मिल्क भी एक केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, इसी तरीके से बहुत बढ़िया एग्जाम्पल इसका होता है डाइजेशन ऑफ फूड। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ठीक है ना, और भी इक्वेशन है, वर्ड इक्वेशन फॉर्म में लिख दें अगर हम, कि जब जिंक होता है, जिंक समझते हैं आप, जिंक सुना होगा आपने, जब डिसॉल्व करते हैं आप, डिसॉल्व इन, मान लीजिए मैं बोल दूँ, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इट कन्वर्ट इंटू जिंक सल्फेट एंड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस एज अ बाई प्रोडक्ट। तो ये क्या हो जाती है, वर्ड इक्वेशन में आपको
नज़र आ रहा है कि कुछ तो केमिकल, कोई भी एक केमिकल सब्सटेंस है, जैसे कि ये हुआ वो दूसरे केमिकल सब्सटेंस के साथ कंबाइन होकर कोई थर्ड टाइप का केमिकल सब्सटेंस फॉर्म कर रहा है, जिसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी इन दोनों कंस्टिट्यूंट पार्टिकल से बिल्कुल डिफर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाता है केमिकल रिएक्शन। अभी हम यहाँ पर इसको केमिकल इक्वेशन के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो केमिकल इक्वेशन क्या हो जाएगा, केमिकल इक्वेशन को भी आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो। इंट्रोडक्शन अभी हम कर रहे हैं, काफ़ी कुछ पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। केमिकल इक्वेशन क्या हो जाता है, तो बच्चों आपने नाइन्थ क्लास के अंदर एक टॉपिक पढ़ा था राइटिंग केमिकल फॉर्मूला, यानी कि कोई भी केमिकल सब्सटेंस होता है, चाहे वो एलिमेंट हो चाहे मॉलिक्यूल हो, अच्छा आपने डिटेल में पढ़ा नाइन्थ क्लास के अंदर, उनका जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, या हम कह सकते हैं कि उनका जो केमिकल फॉर्मूला होता है, उस फॉर्म में आप अगर इस केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर दें तो वो कहला जाएगा केमिकल इक्वेशन। और भी कई सारी चीज़ें होती है, जैसे कि जितना टेम्परेचर रिक्वायर्ड हुआ, जितना प्रेशर रिक्वायर्ड हुआ, और रिएक्शन को परफॉर्म कराने के लिए अगर कुछ एडिशनल एलिमेंट्स जिनको हम कैटलिस्ट यहाँ पर बोलेंगे, प्रमोटर्स बोलेंगे, अगर वो आपने यहाँ पर यूज़ किए हैं, तो उन सभी को आप मेंशन करेंगे एक कंप्लीट इक्वेशन के अंदर, ठीक है। तो एक केमिकल रिएक्शन का मॉडिफिकेशन, या हम कह दें कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म ही क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन, जिसका मतलब क्या हो जाएगा, द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ से पता चल रहा है केमिकल रिएक्शन क्या हुआ, एक सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाना कुछ अलग अलग कंडीशंस पर, और उसी केमिकल रिएक्शन को सिंबलाइज कर देना, ठीक है ना, यानी कि उनका केमिकल फॉर्मूला के फॉर्म में उसको बता देना, वो कहला जाता है आपका केमिकल इक्वेशन, जिसका एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए अभी हमने बात किया था कि जिंक डिजॉल्व इन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, अब यहाँ पर जो जिंक है उसको हम सिंबलाइज करेंगे, तो जिंक को ZN से आप बता देते हैं, ठीक है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला आपको पता है बच्चों, H2SO4 होता है, और डाइल्यूट जो कि ब्रैकेट में मैं इस तरीके से लिख दूंगा, ठीक है, डाइल्यूट यहाँ पर हमने कर दिया। इसके बाद हमें प्रोडक्ट में मिल रहा है कन्वर्ट इनटू जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट बहुत अच्छे से आपने सीखा है फॉर्मूला बनाना नाइन्थ क्लास में, तो ZnSO4 ये हो जाएगा, प्लस H2 गैस यहाँ पर इवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आपको इंक्लूड करना होता है इक्वेशन के अंदर, जैसे कि जिंक है इसका फिजिकल स्टेट, आपने ब्रैकेट में स्मॉल है, सभी देखो इसकी स्पेशल कंडीशन में हम ये सारी चीज़ें लिखेंगे। अभी फिलहाल मैं लिख रहा हूँ कि जिंक जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, ब्रैकेट में स्मॉल ऐसा आपने लिखा, यहाँ पर हम देखेंगे तो ZnSO4 जो होता है वो लिक्विड स्टेट में होगा, ठीक है। तो लिक्विड स्टेट में यहां पर किस तरीके से ब्रैकेट में स्मॉल एल लिख देंगे, और यहां पर आप ब्रैकेट में स्मॉल जी, क्योंकि हाइड्रोजन गैस है, इसको अपवर्ड एरो से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी आगे और एग्जांपल्स में देख लेंगे। अच्छा, दूसरा एग्जांपल मैं केमिकल इक्वेशन का ले रहा हूं, जिससे एक प्रोसेस होता है हैबर्स प्रोसेस, और हैबर्स प्रोसेस जो होता है वो यूज होता है टू ऑब्टेन अमोनिया, टू ऑब्टेन अमोनिया। अमोनिया के बारे में तो सुना ही होगा आपने, NH3 जिसको बोलते हैं अपन, ठीक है ना। नहीं सुना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बहुत सुनोगे आप इसके बारे में। तो टू ऑब्टेन अमोनिया होता क्या है, इसके अंदर पहले वर्ड इक्वेशन में लिख देता हूँ, फिर उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिखेंगे। तो क्या होगा, हैबर्स प्रोसेस के अंदर जो नाइट्रोजन गैस होता है, नाइट्रोजन गैस वो रिएक्ट करेगा, या कंबाइन कह सकते हैं, रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन गैस इन प्रेजेंस ऑफ, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इन प्रेजेंस ऑफ निकल, ये कैटलिस्ट होता है, ठीक है ना। अभी हम डिफाइन करेंगे इसको आगे, निकल एंड मॉलिब्डेनम, ये भी एक एलिमेंट होता है, मॉलिब्डेनम, ठीक है ना, यहाँ ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ प्रमोटर, आगे देखेंगे कैटलिस्ट क्या होता है, प्रमोटर क्या होता है, ठीक है। तो किसके प्रेजेंस में, निकल एंड मॉलिब्डेनम की प्रेजेंस में होता है ये। टेम्परेचर जो यहाँ रिक्वायर्ड होता है वो 723 केल्विन, एंड प्रेशर यहाँ पर हम रखते हैं 200 ATM, ATM का मतलब यहाँ पर हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये आपने क्या लिख दिया, एक वर्ड इक्वेशन, यानी कि केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन का जो
सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है वो केमिकल इक्वेशन कहला जाए, यानी कि ये जो वर्ड इक्वेशन आपने लिखा है पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, आपको वर्ड इक्वेशन दिया उसको केमिकल रिएक्शन की फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना। तो वो हम क्या कर देंगे, देखो नाइट्रोजन गैस बोला है यहाँ पर, मैं लिख रहा हूँ अभी केमिकल इक्वेशन फॉर्म में से, नाइट्रोजन गैस और नाइट्रोजन कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, गैसेस फॉर्म में है तो दो एलिमेंट यहाँ पर, यानी कि दो एटम यहाँ पर, गैस लिखा है तो ब्रैकेट में स्मॉल जी, प्लस प्लस का साइन हम यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि अभी रिएक्टेंट्स हम लिख रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं आपस में, जो रिएक्ट करते हैं उनको रिएक्टेंट बोलते हैं। हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस को H2 से रिप्रेजेंट किया और यहाँ पर G लगा दिया, मतलब गैसेस फॉर्म, ठीक है। तो दो रिएक्टेंट हुए, अब ये इन प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, यानी कि आपस में कंबाइन हो गए, हमने एरो लगा दिया यहाँ पर, कंबाइन होने के बाद आपको क्या दिया उसने, टू फॉर्म, यहाँ पर मैं कंप्लीट कर देता हूँ उसको, टू फॉर्म अमोनिया, टू फॉर्म अमोनिया, ठीक है ना, इक्वेशन कंप्लीट। तो अमोनिया, अमोनिया का फॉर्मूला आपका होता है बच्चों NH3, ठीक है, और NH3 जो होता है वो यहाँ पर लिक्विड स्टेट में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने स्पेशल कंडीशंस लिए। कंडीशंस के अंदर आप देखो मैंने लिखा था इन प्रेजेंस ऑफ निकल एंड मॉलिब्डेनम, तो यहाँ पर हम लिखेंगे निकल, निकल का सिंबल होता है Ni, और यहाँ पर मैं स्लैश लगाकर ले दूंगा मॉलिब्डेनम, दोनों चीज़ें यूज़ होती है। एक्चुअल में क्या होता है कि निकल जो यहाँ पर मैंने कैटलिस्ट लिया है, कैटलिस्ट का काम होता है रिएक्शन रेट को फास्ट करना, यानी कि अगर हम कैटलिस्ट और मॉलिब्डेनम नहीं लेंगे तो भी ये रिएक्शन होगी, बट यील्ड्स जो इसके बनेंगे वो एक तो मिनिमम बनेंगे, उसके अलावा रिएक्शन जो होगी वो काफ़ी स्लो होगी। तो रिएक्शन रेट को इंक्रीज करने के लिए ही हम कई बार कैटलिस्ट का, अलग अलग रिएक्शन के अंदर अलग अलग कैटलिस्ट हो सकते हैं, और कभी कभी क्या होता है कि कैटलिस्ट रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व नहीं होना चाहता है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी उसको इन्वॉल्व करवाने के लिए उससे रिएक्शन में प्रमोट करना होता है, और प्रमोट करवाने के लिए एक एजेंट हम वहां पर ऐड करते हैं जो कि कहलाता है प्रमोटर, और यहां प्रमोटर हमने लिया है मॉलिब्डेनम MO, ठीक है। तो कहने का मतलब हुआ कि रिएक्शन रेट को इंक्रीज करने के लिए हमने कैटलिस्ट निकल यूज किया, और निकल को प्रमोट करवाने के लिए, मतलब निकल के ज्यादा से ज्यादा यील्ड्स जो है वो रिएक्शन में पार्ट लें, इसलिए हमने यहां पर एक प्रमोटर यूज किया है मॉलिब्डेनम। उसके अलावा जो टेम्परेचर इफेक्ट रखा है हमने 723 केल्विन, ठीक है ना, इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हो, आपने सीखा है 273 से माइनस आप कर देंगे, 273 माइनस कर देंगे तो आप डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर लेते हैं। उसके अलावा प्रेशर जो रखा है वो 200 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर, चाहे तो आप इसको पास्कल वगैरह में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है आपके, हाँ, तो टेम्परेचर जो है वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं केल्विन, और उसके अलावा इस तरीके से आप यहाँ कोमा लगा सकते हैं और 200 atm। तो बच्चों ये तो था वर्ड इक्वेशन, और ये इसका एक कंप्लीट फॉर्म हो गया जिसको आप बोल देंगे केमिकल इक्वेशन। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है ना, वो अभी हम डिस्कस करेंगे आगे, जिसको हम बोलते हैं बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, यानी कि हर इक्वेशन का बैलेंस होना ज़रूरी होता है। कुछ नेचुरली बैलेंस होती हैं, बैलेंस नहीं है तो उसे करना होगा। बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में पहले मैं यहाँ बता देता हूँ, फिर हम एक बार सीखेंगे बैलेंसिंग को। यहाँ पर क्या होता है बैलेंसिंग में कि रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड जो है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड जो नंबर ऑफ एटम है कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट के, वो बोथ साइड इक्वल होने चाहिए। जैसे यहाँ 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पर एक ही नाइट्रोजन आपको नजर आ रहा है प्रोडक्ट साइड, रिएक्टेंट में 2 हाइड्रोजन है जबकि प्रोडक्ट में आपको 3 हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो इनको बैलेंस करने के लिए मैं अभी यहाँ पर तो डायरेक्टली कर देता हूँ, ठीक है, फिर हम इसको टॉपिक के अंदर समझेंगे अलग से, ठीक है। तो देखिए आप 3 2 6 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पर भी 6 हाइड्रोजन हो गया, 2 नाइट्रोजन है या 2 नाइट्रोजन हो गया, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो केमिकल इक्वेशन के अंदर हमें याद रखनी होती है। तो इस टाइप से कई सारी इक्वेशन हैं, और भी कई सारे इक्वेशन हम यहाँ बना सकते हैं, और एक मैं DPP आपको इस टॉपिक के बाद DPP प्रोवाइड करवा दूंगा, उसमें आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, प्रैक्टिस करने के लिए कई सारे क्वेश्चंस उसमें आपको मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर जो भी मैंने अभी डिस्कस किया उसको छोटे छोटे तरीके से हम यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे कि केमिकल रिएक्शन के अंदर आपको किन किन बात, कोई भी वर्ड इक्वेशन को जब केमिकल इक्वेशन, वर्ड इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है तो कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है। तो सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स to write a chemical equation, तो कौन कौन सी बातें हैं, कुछ तो बहुत ही सिंपल सी बातें हैं जो आपको याद होनी चाहिए और होंगी भी, कि रिएक्टेंट्स जो हुआ करता है उनको हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर लिखा जाता है, ठीक है ना, और अगर एक से ज़्यादा रिएक्टेंट है तो उनके बीच में प्लस साइन भी कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो जाता है, द रिएक्टेंट्स
आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विद अ प्लस साइन. बिटवीन देम. ठीक है, इसी तरीके से सेकेंड पॉइंट, अगर मैं रिटर्न की जगह प्रोडक्ट की बात कर लूँ तो बिल्कुल इसके अलग हो जाएगा. ये लेफ्ट में है तो प्रोडक्ट हमेशा किस साइड पर लिखे जाते हैं, राइट साइड पर लिखे जाते हैं. तो सेकेंड पॉइंट आप लिख सकते हैं द रिएक्टेंट्स आर रिटर्न ऑन द राइट हैंड साइड विद अ प्लस साइन. देखो ये भी हो सकता है ना, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट भी हो सकता है ना. कई सारी रिएक्शन हम देखेंगे जिसमें एक से ज़्यादा रिएक्टेंट और एक से ज़्यादा प्रोडक्ट होगा. ठीक है, और थर्ड पॉइंट इसके अंदर याद रखना है आपको कि दोनों रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स जो होंगे उनके बीच में एक एरो का साइन होगा. ठीक है ना, अब एरो का साइन जो है वो किस किस तरीके से हो सकता है वो भी सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे. एन एरो सेपरेट्स द रिएक्टेंट्स फ्रॉम द प्रोडक्ट्स. ठीक है ना, यानी कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बीच में एक एरो हमें लगाना है जो इन दोनों को क्या कर दे, सेपरेट कर दे.